शाहरुख खान की फिल्म पठान इन दिनों खूब सुर्खियों में है। जब से फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है तब से इसे फैंस बहुत ही पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की यह फिल्म 7.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि पठान 25 जनवरी को यानी ओपनिंग डे पर 35 से 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन करेगी। फिल्म में जॉन अब्राहम और शाहरुख खान के बीच कई टक्कर देखने को मिलेगी। फिल्म में जहां शाहरुख पठान बनकर जॉन के होश उड़ाएंगे तो वहीं जॉन भी जिम बनकर पठान को सबक सिखाएंगे। फिल्म में दोनों सुपरस्टार की भिड़ंत देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने खुद बताया है कि इस फिल्म में शाहरुख का किरदार काफी दिलचस्प है। फिल्म पठान के प्री प्रोडक्शन में करीब 2 साल का वक्त लग गया था। फिल्म में आपको भरपूर एक्शन का डोज मिलेगा। शाहरुख खान और जॉन अब्राहम को तो आप एक्शन करते हुए देखेंगे कि फिल्म में आपको दीपिका पादुकोण भी एक्शन करती हुई नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में शाहरुख से अधिक दीपिका के एक्शन हैं। पठान में शाहरुख खान का लुक बेहद ही अलग नजर आ रहा है। इसमें शाहरुख खान बड़े बड़े बालों में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने कई महीनों तक अपने बाल नहीं कटवाए थे। पठान के लिए बॉलीवुड के सितारों को कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। फिल्म के लिए सितारे बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के दौर गुजरे हैं। बर्फ पर बाइक चलाने और चलती ट्रेन के ऊपर चलने जैसी ट्रेनिंग इनको दी गई थी। हालांकि कड़ी मेहनत के बाद ये सब वो कर पाए थे। इस फिल्म में आपको एक्शन का बेहतरीन डोज मिलने वाला है। दीपिका पादुकोण भी दमदार एक्शन में नजर आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में शाहरुख से ज्यादा दीपिका के एक्शन हैं। पठान में शाहरुख खान का लुक देखकर हर कोई हैरान रह गया है, तो वहीं अभिनेता जॉन ने भी अपने लुक पर जमकर मेहनत की है। देखने से ही पता चल रहा है कि अब्राहम ने भी इसके लिए अपने वजन को काफी कम किया है। अगर आपको पूरी मूवी देखनी है तो मुझे कमेंट जरूर करें।